हेलो एवरीबॉडी स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट थ्री ईयर एल एल बी ऑनर्स कोर्स इन एन एल यू बैंगलोर एन एल यू तो बहुत सारे हैं बट हाँ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसमें एक नए कोर्स की इनिशिएटिव हुई है जो कि थ्री ईयर एल एल बी कोर्स है इसमें पहले से ही बी एल एल बी फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स तो एग्जिस्ट करता था बट फॉर द सेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के सेशन के लिए नया कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है सो so, इस वीडियो में हम इस कोर्स की डिटेल में बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फिर कोर्स स्ट्रक्चर क्या है फिर साथ ही फीस कितनी लगने वाली है वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें सो लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पे ओवरव्यू बता रखा है कि फाइव ईयर एल इंटीग्रेटेड कोर्स जो 1988 से शुरू हुआ था एन एल एस आई यू जिसकी फुलफॉर्म है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर तो यहाँ पे फाइव ईयर एल बी कोर्स पहले से ही था बट जो लेगेसी है लीगली लीगल एजुकेशन की इंडिया में उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे लॉन्च हुआ है एक नया कोर्स जो कि इंटर डिसप्लिनरी थ्री ईयर एल ऑनर्स कोर्स है फॉर ट्वेंटी सेशन और बेसिकली ये वही कोर्स है जो आपको और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है थ्री ईयर एल कोर्स लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बी है एंड नाउ ये अब सीन में आ चुका है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर तो थ्री ईयर एल कोर्स है जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स से कंसिडर करते हैं और ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई करता है लाइक like ये डिग्री जो है वो आपको यहाँ से जो मिलेगी ये क्वालिफाई है प्रैक्टिस कर भी सकते हो आप और जज जुडिशियर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो साथ ही बार काउंसिल की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके थ्रू ये प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एल कोर्स ऑफर करने के लिए बार काउंसिल की परमिशन बार काउंसिल की जो क्राइटेरियाज हैं वो सभी फुलफ़िल करने होते हैं ताकि आप लीगल जो कोर्स है उसको ऑफ़र कर सकें अपने कॉलेज में तो ये सभी चीज़ें हो गई हैं तो इसमें जो मिनिमम बात है वो ये है कि यहाँ पे जो सीट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस कोर्स की सीट्स की बात करें तो सिक्सटी स्टूडेंट्स की सीट है इस कॉलेज में ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एडमिशन विल बी ओपन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर अप्रैल सॉरी ट्वेंटी फोर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी सीट्स हैं जिसके लिए ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा चौबीस अप्रैल को यानी कि ट्वेंटी फोर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू को और जब एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम हो जाने के बाद सभी प्रोसेस हो जाने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस तो आपका जो फर्स्ट जुलाई को फर्स्ट सेशन होगा ये शुरू हो जाएगा फर्स्ट सेशन टू थाउजेंड को बट दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो इन दिस कॉलेज दे शुड कीप वन थिंग इन माइंड सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस इज़ मैंडेट और आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा ये एक रेजिडेंशियल कोर्स है तो वहाँ पर रहकर आपको पढ़ना पड़ता है एज आपके जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे आपको रहना पड़ता है ठीक है तो ये हो गई बेसिक बात कि कितनी सीट्स हैं और क्या होगा कब होगा ठीक है फिर अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी डिस्प्ले पे है एलिजिबिलिटी कुछ इस टाइप की है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट से कम नहीं होने चाहिए और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फोर्टी परसेंट से तो कम होने नहीं चाहिए तो मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट आपके पास आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो आपको बता दिया मैंने अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की जो सिक्सटी स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन देंगे ये लोग अपने अकेडमिक सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थ्रू थ्री स्टेजेस जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा पहला और फर्स्ट स्टेज टू बी कम्पराइज ऑल इंडिया रिटर्न एडमिशन टेस्ट द नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट थर्ड स्टेज विल बी एन इंटरव्यू तो पहले जो दो स्टेजेस हैं उनमें आपको नेशनल इंडियन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तब जाके जो आपका एडमिशन है वो कन्फर्म होगा बात करते हैं रिटर्न टेस्ट जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा तो वो वन फोर्टी मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा ऑफ विच सेवेंटी फाइव मार्क्स शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइपटी फाइव मार्क्स शेल बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है तो टोटल जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसमें सब इन्होंने डिवाइड कर दिया सेवेंटी फाइव मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे सिक्सटी फाइव मार्क्स के जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और टेन मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा ठीक है बट डिटेल में देख लेते हैं कि रिटर्न टेस्ट में क्या पूछेंगे ये और सा, जो इंटरव्यू में है उसमें क्या जान पूछेंगे ये ठीक है एंट्रेंस टेस्ट में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन होंगे सिंगल पे क्वेश्चन पेपर कंप्राइजिंग टू पार्ट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी ठीक है रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन द क्वेश्चन शैल बी ड्यूरेशन ऑफ वन फिफ्टी मिनट्स तो आपको दोनों मतलब जो आपका एग्जाम है रिटर्न और ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम है उसमें आपको वन फिफ्टी मिनट मिलेंगे पार्ट ए और पार्ट बी को करने के लिए ठीक है पार्ट ए में आपको सेवेंटी फाइव मार्क्स जैसे कि बताया सेवनटी फाइव मार्क्स का आपका वो पार्ट ए है लेकिन उसमें जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव की आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी और अ मेरिट लिस्ट ऑफ अ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ एनलसेट ओनली दो स्टूडेंट्स ओनली दो कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन पार्ट ए ऑफ द टेस्ट शैल हैव देअर पार्ट बी रेस्पॉन्स इवेलुएटेड तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्ट ए में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पार्ट ए में ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका पार्ट बी कंसिडर नहीं होगा सो ये चीज़ ध्यान रखना कि सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपके जो पार्ट ए है उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि तभी जाके जो आपका पार्ट बी है उसका इवेल्यूशन होगा ठीक है एंड select इन रेशियो वन रेशियो फाइव फॉर इवेल्यूशन ऑफ पार्ट बी जैसे कि मान लो पाँच क्वेश्चन है जिसमें से आप आ, एक कर रहे हो तो सही होना चाहिए इस रेशियो में आपका अगर होगा पार्ट वन तो पार्ट बी आपका जो इवेल्यूशन के लिए कंसिडर किया जाएगा दैट फाइव कैंडिडेट पर सीट विल क्वालिफाई फॉर पार्ट बी एक सीट पे पांच कैंडिडेट्स को किया जाएगा अच्छा रेशियो ये टाइप का होगा कि लाइक अगर कोई एक सीट है तो, जैसे सिक्सटी सीट्स हैं तो सिक्सटी इन टू फाइव सिक्स फाइव या थर्टी तो थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स को ये क्वालिफाई करेंगे पार्ट बी के लिए कंसिडर करेंगे तो वही कुल मिला के बात है कि पार्ट ए भी आपका क्लियर होना चाहिए तभी आपका पार्ट बी कन्सिडर करेंगे फिर आ गई बात पार्ट बी की जिसमें आपके पास सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और जिसका जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स है वो सिक्सटी फाइव मार्क्स है और फ्रेश मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट बी और फिर जो फ्रेश मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन के पेपर पे बनेगी और कैंडिडेट फिर सेलेक्ट होंगे एक सीट पे टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर द इंटरव्यू ओके फिर आपकी थोड़ा कम कर देंगे जैसे एक सीट पे पहले पांच बच्चे थे तो अब एक सीट पे ढाई बच्चे हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा फिर इंटरव्यू में क्या होगा इंटरव्यू विल बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यूअर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द रैंक सिक्योर्ड बाय देम इन पार्ट बी पार्ट बी में आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड विच शैल ब थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस फिर वो फाइनल स्टेज होगा और जिसमें आपको मैक्सिमम टेन मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट करवा के दिया जाएगा जिसमें कि वो आपसे बेसिक आर्टिकुलेशन स्किल्स पूछेंगे औरिजिनल थिंकिंग थिंकिंग देखेंगे आपकी रीजनिंग अबिलिटी देखेंगे पैशन फॉर लॉ एंड पब्लिक सर्विस देखेंगे तो इस टाइप की चीज़ें आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है और फिर फाइनल रैंक लिस्ट आएगी जो कि आपके कंसॉलिडेट मार्क्स सिक्योर्ड इन पार्ट बी और इंटरव्यू के कंसॉलिडेटेड होगी तो एप्लीकेंट्स मस्ट भी रिजर्वेशन पॉलिसी वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि रिजर्वेशन खैर अलग ही चीज़ है बट इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए यहाँ पे अभी मैं नीचे आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसमें कौन कौन से सिलेबस क्या है मतलब उसका तो वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बता दिया आपको और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो ट्वेंटी मार्च है आपको अपने जो लास्ट डेट ट्वेंटी सिक्स मार्च से पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है साथ ही जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है वो टू थाउजेंड रुपीज़ है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल का मतलब नॉर्मल जनरल कैटेगरीज के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ ओके फाइनल एडमिशन लिस्ट विल बी पब्लिश बाय फ्यू वीक्स और मे में आपका इंटरव्यू होगा देखो ट्वेंटी सिक्स मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ट्वेंटी फोर अप्रैल को आपका वन मंथ बाद आपका एग्जाम होगा और मई में आपका इंटरव्यू होगा फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी अब बात करते हैं सिलेबस की पार्ट ए का जो सब सलेबस है वो ये है कि आपको इंग्लिश करंट अफेयर और क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लाइक पैराग्राफ आएंगे पैराग्राफ्स में क्वेश्चन होंगे वो होगा आपका ट्वेंटी फाइव मार्क्स का करंट अफेयर्स होंगे आपके ट्वेंटी फाइव मार्क्स के और क्रिटिकल रीजनिंग रीजनिंग इंक्लूड्स लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड उसमें आपके ट्वेंटी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो ये बेसिकली लाइक like आप देख सकते हो कि डी यू एल एल बी और बी एच यू एल एल भी लाइक बी एच यू एल भी तो फिर भी वो आपको स्टैटिक पोर्शन पूछते हैं हिस्ट्री जोग्राफी भी पूछते हैं बट डी एल एल वी टाइप का आपको सिलेबस देखने को लग रहा होगा बट इसमें क्वेश्चन की जो वेटेज है वो थोड़ी कम ज़्यादा है और इसमें क्वेश्चन पैटर्न जो है वो एकदम फिक्सड है कि पच्चीस क्वेश्चन आप पच्चीस मार्क्स का आपका करंट अफेयर होगा और इंग्लिश है वो आपके ट्वेंटी फाइव मार्क्स के होंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ये इतने मार्क्स से यहाँ से पूछा जाएगा फिर पार्ट बी है पार्ट बी में आपका लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग फिफ्टी मार्क्स का होगा जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होगा जिसके आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड मतलब ठीक है आपसे लॉ की नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट की जाएगी बट आपको अपने समझ के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखना जाएगा और दिस सेक्शन विल हैव टेन क्वेश्चन ऑफ़ फाइव मार्क्स ईच जैसे कि बताया फिफ्टी मार्क्स का टोटल पेपर होगा ये लीगल एप्टीट्यूड का तो जिसमें आपके पाँच क्वेश्चन होंगे पाँच मार्क्स के दस क्वेश्चन होंगे फिर आती है बात करंट अफेयर की करंट अफेयर आपका फिफ्टीन मार्क्स का होगा जिसमें एक एसे होगा ऑफ नंबर मोर देन फाइव हंड्रेड वर्ड्स का जिसमें आपको एक एसे लिखना पड़ेगा एंड स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर वन ऑफ थ्री ऑप्शन एप्लीकेंट विल बी टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ इशू अबिलिटी टू मेक कॉग्निजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वेल स्ट्रक्चर्ड एस ए नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड ठीक है आपको ऐसे लिखना होगा और आपकी नॉलेज अगर लॉ में नहीं भी है तो भी चलेगा बट आपका ओरिजिनल थॉट्स चेक किया जा रहा है बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको वो करंट uh, अफेयर में कोई इशू दे देंगे जो कि फ़िलहाल में रहा और उसके ऊपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम पैटर्न में नाव अब बात करते हैं कि चलो ठीक है यहाँ तक तो हमने देख लिया बट कोर्स की क्या बात है कोर्स में क्या होगा ये कोर्स तो चलो खैर ठीक है जब आप जाओगे वहाँ पे क्लासरूम में क्या होगा वो सब एक अलग ही बात है लेकिन सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि भाई फ़ीस कितनी होगी इस कॉलेज की फीस तो देख लो आप जगह एक बार ज़रा फीस स्ट्रक्चर फॉर जनरल कैटेगरी अप्रोक्स थ्री लाख है अप्रोक्स थ्री लाख एस सी कैटेगरी के लिए अप्रोक्स उनके लिए भी मतलब लाइक टू लैख एटी फाइव एटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव रुपीज़ सो so, ये फीस मिडिल क्लास का बच्चा शायद अफोर्ड नहीं कर सकता दैट्स वाई डी एल एल बी एंड बी एच यू एल एल बी आर वेरी पॉपुलर इन अमंग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं सो यू कैन गो विद दिस कॉलेज बट सेम कोर्स आपको ऑफर कर रही है डेली यूनिवर्सिटी और आपकी बी एच यू लॉ फैकल्टी तो दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो आई होप आप सभी को ये जो जानने को मिला कि एन एल यू ने एन एल यू बेंगलोर ने नया कोर्स जो शुरू किया है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो भी स्टूडेंट जाना चाहें एडमिशन लेना चाहें दो एडमिशन और यस आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि यहाँ से आप पास आउट होगे तो आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी और आप बहुत कुछ सीखोगे भी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिले देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल